सालों से खबर लहरिया से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आज मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। खबर न्यूज लेटर बन करके पब्लिश हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बातें मेरी डायरी के पन्नों तक कैद। अपनी डायरी के पन्ने खोलने और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रही हूँ एक नया शो लेकर, चीफ रिपोर्टर की डायरी से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीरा। मेरे शो चीफ रिपोर्टर की डायरी से के 53वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, इस बारे में आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि जिस गढ़ में मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, वहाँ पर भी आज भी अपनी जगह बनाने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है, और ये समाज कब तक महिलाओं को अपने बने बनाए ढांचे में देखना चाहता है, समझना चाहता है, जबकि मेरा अनुभव ये कहता है कि महिलाएं पुरुषों से बराबर ही नहीं बल्कि आगे हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। 24 दिसंबर 2018 को बहुत ही मशहूर कवि और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कुमार विश्वास बांदा जिले के जियासी मैदान में अपनी कविताओं का जलवा बिखेरने आए हुए थे। पंडाल सजाया गया था और पंडाल के अंदर महिलाओं, पुरुषों, वीआईपी लोगों और पत्रकारों को बैठने के लिए अलग अलग जगह की व्यवस्था की गई थी। मैं भी अपनी जगह पर जा करके बैठ गई, मतलब पत्रकार दीर्घा वाली जगह में। जैसे जैसे लोग आते गए, बैठते गए, जब पंडाल कुछ भरने लगा तो बहुत सारे लोग मेरे पास से गुजरते और फुसफुसाते हुए आगे बढ़ जाते। वो कहते कि मैं गलत जगह पर बैठी हुई हूँ। खैर, मैं बहुत सारे लोगों को ये जवाब दे चुकी थी कि मैं सही जगह पर बैठी हूँ। कुछ देर में कुछ राजनीतिक लोग और अन्य जिले से आए मीडिया के लोग आए और बोले कि मैडम, आपको अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग जगह बनाई गई है और ये पत्रकारों की जगह है। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गई और झुंझलाहट भी। मैं बोली कि मैं सही जगह पर बैठी हूँ भाई साहब, आप अपनी सोच बदलिए और हम जैसी महिलाएं हैं, आप जैसे लोगों की सोच बदलने के लिए, मतलब कि महिलाएं भी पत्रकार हो सकती हैं और वो भी बुंदेलखंड जैसे इलाके में। उनको कुछ जवाब देना नहीं आया, पर हाँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगी और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में दो शराबी व्यक्ति आए और मेरे साथ वाली कुर्सी में वो दोनों बैठ गए। कविता तो सुन ही रहे थे, लेकिन साथ में अश्लील बातें कर रहे थे। मैंने ठान लिया कि इनको यहाँ से हटाना है। बहुत ही बहस और लड़ाई के बाद मैंने उनको हटा दिया, लेकिन उस भीड़ भरी झुंड में पुरुषों के बीच मैं अकेली उनकी बातें सुन सुन करके हैरान थी। लोग ठहाके मार रहे थे, अश्लील बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं किससे किससे लड़ाई लूँ, किससे किससे बहस करूँ, किसका किसका मुंह बंद करूँ। इससे ठीक है कि मैं खुद यहाँ से हट जाऊँ। दूसरा कारण मेरे हटने का ये भी था कि मुझे शूटिंग करने के लिए मंच के पास जाना ही था। मंच के पास पहले से ही बहुत सारे कैमरे अलग अलग मीडिया चैनलों ने लगा रखे थे। मैं अपनी जगह जहां पर भी बनाऊं, मीडिया कर्मियों की आवाज आ जाए, बहन जी, मैडम जी, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। सबको होड़ थी कि मंच का फोकस उनके कैमरे से हो। 3-4 घंटे में ये बातें सुनती रही और अपने मन मुताबिक शूटिंग करती रही। अच्छी और प्रोफेशनल शूटिंग करके मैं जितना ज़्यादा खुश थी, उतना ही ज़्यादा चिंतित। आज भी मेरे मन और दिमाग में कई सवाल गूंज रहे हैं। ये कि महिलाओं को बराबरी का हक और अधिकार देने के लिए जितनी ज़्यादा चर्चा सोशल मीडिया और ट्रेबल साधनों में नारे लिख करके की जा रही है, क्या फिजिकल रूप में उतनी ही इज्जत और सम्मान महिलाओं को दिया जा सकता है?
पत्रकार होने के बावजूद भी महिलाओं को अपनी जगह बनाने के लिए लड़ाई लेना पड़ रहा है, क्यों? ये समाज महिलाओं को कब तक अपने बनाए हुए ढांचे में देखता रहेगा? इन्हीं सवालों और विचारों के साथ अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ, जो मेरी डायरी के पन्ने में कैद है और आप सबके साथ शेयर करने के लिए भी तैयार है। नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।